विकास दुबे तो संगठित अपराध का एक मोहरा मात्र था, उक्त संगठित अपराध के सरगना असल में उत्तर प्रदेश में हैं कौन। विकास दुबे का एनकाउंटर अनेकों सवाल सार्वजनिक जहन में खड़े कर गया है, जिनका जवाब आदित्यनाथ सरकार को देना होगा। पहला, क्या विकास दुबे सफेद पोशों और शासन में बैठे लोगों का राजदार था? क्या उसे सत्ता और शासन में बैठे व्यक्तियों का संरक्षण था? दूसरा, विकास दुबे के पास वो क्या राज थे जो सत्ता और शासन के गठजोड़ को उजागर कर देते, जिससे अनेकों व्यक्ति घबराए थे? तीसरा, विकास दुबे का नाम प्रदेश के 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया? चौथा, क्या विकास दुबे का एनकाउंटर अपने आप में अनेकों सवाल नहीं खड़े कर गया? अगर उसे भागना ही था तो फिर उज्जैन मध्य प्रदेश जाकर सरेंडर ही क्यों किया? एनकाउंटर से पहले मीडिया के वो सारे साथी जो गाड़ियों में एसटीएफ की टीम के साथ चल रहे थे, मीडिया के सारे साथियों को एनकाउंटर से एन पहले रोक क्यों दिया गया? पहले कहा गया कि अपराध की संगीनता को देखते हुए विकास दुबे को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश चार्टर प्लेन से ले जाया जाएगा। फिर क्या कारण था कि यह फैसला बदल कर सड़क मार्ग से कर दिया गया? पहले विकास दुबे को एसटीएफ की सफारी गाड़ी में देखा गया तो फिर उसे महिंद्रा टीयूवी 300 में कब और कैसे शिफ्ट कर दिया गया? विकास दुबे की टांग में लोहे की रॉड होने के कारण वह लंगड़ा कर चलता था तो वह यकायक भाग कैसे गया पुलिस की गिरफ्त से? अगर अपराधी विकास दुबे भाग रहा था तो फिर पुलिस की गोली पीठ में लगने की बजाय छाती में कैसे लगी? मौके पर मीडिया कर्मियों को गाड़ी के एक्सीडेंट होने के स्किड का कोई मार्क या निशान नजर क्यों नहीं आया या दिखा? क्या यह सही है कि पहले मीडिया को एक्सीडेंट बताया गया और फिर अस्पताल में जाकर क्या ये असल में विकास दुबे के एनकाउंटर की बजाय सफेद पोशों और आला अफसरों के राज दबाने के लिए सच का एनकाउंटर है? विकास दुबे जो संगठित अपराध का एक मोहरा था, पर सरगना कोई और है, उन सरगना के चेहरे उजागर हो हमारे 8 बहादुर पुलिस कर्मियों को न्याय कैसे मिलेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है और कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने थोड़ी देर पहले सार्वजनिक तौर से यह मांग रखी है कि विकास दुबे के सरगनाओं को बेनकाब कर ही 8 शहीद पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को न्याय मिल सकता है तथा उत्तर प्रदेश में जो अपराध प्रदेश बन गया है, संगठित अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आदरणीय आदित्यनाथ जी, संवैधानिक मर्यादाओं की आतिशबाजी आज हुई है। मैं फिर दोहराता हूं, आज संवैधानिक मर्यादाओं की आतिशबाजी हुई है और कानून व्यवस्था का होलिका दहन हुआ है। आज जिम्मेवारी आप पर है, इसीलिए हमारी मांग है कि विकास दुबे एनकाउंटर के साथ साथ संगठित अपराध, विकास दुबे, सफेद पोशों, राजनेताओं, चोलाधारियों, आला अफसरों और सब वो लोग जो इस संगठित अपराध के राज से जुड़े हैं, उन्हें बेनकाब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज से
इस पूरे मामले की जांच हो, समेत उन सारे राजदारों के जो इस राज को दफन करने में लगे हैं। यह मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी व देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह के लिए भी कसौटी की घड़ी है कि क्या वो सफेद पोशों व शासन में बैठे लोगों के अपराधियों के साथ गठजोड़ को उजागर करने की हिम्मत दिखाएंगे। यही राजधर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का इम्तिहान भी है।